हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों के मुंडन के बारे में, बच्चों के हेड शेव के बारे में। इंडियन फैमिलीज में, स्पेशली हिंदुओं में, बच्चों के मुंडन को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है बच्चों की हेड शेव की प्रोसेस को? क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न भी है या फिर हम बस हमारी पुरानी परंपराओं को फॉलो करते आ रहे हैं? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों ज़रूरी है बच्चों का मुंडन करवाना, क्या इससे बच्चे को कोई फ़ायदा मिलेगा। तो एक्चुअली हमारी पुरानी परंपराओं के मुताबिक बच्चों का मुंडन करवाने से, बच्चों के बालों को निकाल देने से बच्चे को पिछले जन्म के जो उसके पाप कर्म होते हैं उससे मुक्ति मिल जाती है। तो एक्चुअली ये बातें कितनी सही है कितनी नहीं ये तो मुझे नहीं पता, एंड आई डोंट थिंक सो कि पाप कर्मों से मुक्ति पाना इतना इजी हो सकता है। लेकिन ये बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड के बीच में होता है जो कि इम्प्योर होता है, जिसके अंदर जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, जो बच्चों के सर के ऊपर चिपक जाते हैं, बच्चों की स्किन के ऊपर चिपक जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि बच्चे ने माँ के गर्भ में टॉयलेट कर दिया इसलिए उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई, उसका सिजेरियन करना पड़ा। तो इन्हीं सारी इम्प्योरिटीज़ के बीच में बच्चा जब 9 महीने तक रहता है तो कुछ जर्म्स एंड बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो हमेशा बच्चों के सर के ऊपर चिपके हुए होते हैं। बच्चा जब बॉर्न होता है तब ऑब्वियसली हम उसको बाथ देते हैं, उसके सर को भी अच्छी तरीके से वॉश करते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो इतना इजीली बच्चों के बालों से नहीं निकलते। तो इसीलिए एक्चुअली जब हम हेड शेव करवाते हैं, बाल को ही निकाल देते हैं, तो जो जर्म्स एंड बैक्टीरिया बच्चों के बालों से चिपके हुए होते हैं वो निकल जाते हैं। तो पाप कर्म से मुक्ति मिले ना मिले, ये जो जर्म्स एंड बैक्टीरिया बच्चों के बालों के ऊपर चिपके हुए थे उससे बच्चे को ज़रूर से मुक्ति मिल जाती है। तो इसीलिए भी आपको अपने बच्चे का एटलीस्ट एक बार हेड शेव ज़रूर से करवाना चाहिए। दूसरा रीज़न है कि आपने सुना होगा बच्चे जब पुराने टाइम में गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते थे तो उनका हेड शेव करवा दिया जाता था। तो एक्चुअली जब हेड शेव होता है, जब हमारे बालों को निकाल दिया जाता है, तो जो रक्त वाहिकाएँ होती हैं हमारे सर के अंदर, जिसके अंदर ब्लड पास ऑन होता है, जो नसें होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। जब वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी तो ब्लड फ्लो सर के अंदर ज़्यादा अच्छी तरीके से होगा। ब्लड फ्लो अच्छी तरीके से होगा तो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट भी ज़्यादा अच्छी तरीके से होगा। तो इसीलिए भी बच्चों के मुंडन करवाने से बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट में बच्चे को मदद मिलती है, इसीलिए भी आपको अपने बच्चों का मुंडन ज़रूर से करवाना चाहिए। तीसरा रीज़न है कि आपने अक्सर सुना होगा हमारे घर के लोगों से कि बच्चों के बाल निकाल देने से दूसरे जो नए बाल आते हैं वो ज़्यादा काले घने आते हैं। तो एक्चुअली इसके पीछे क्या रीज़न है, जब हम बच्चों के बाल निकाल देते हैं तो क्या होता है, जो विटामिन डी के एब्जॉर्बेंस होते हैं वो और ज़्यादा बच्चों की बॉडी में बढ़ जाती है। बच्चा जब न्यूबॉर्न होता है तो उसको ग्रो होने के लिए बहुत ज़्यादा विटामिंस की, न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, उनमें से एक है विटामिन डी। विटामिन डी बच्चे को मिले उसके लिए हम सनलाइट में बच्चे को ज़रूर से एक्सपोज करवाते हैं, तो ये स्किन भी एब्जॉर्ब करती है विटामिन डी को, लेकिन जो सर की स्किन की जो पावर होती है विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने की वो बहुत ज़्यादा होती है। जब बाल ही निकल जाएंगे, सर खुला हो जाएगा, तो विटामिन डी बच्चे को ज़्यादा मात्रा में मिल सकता है। विटामिन डी बच्चों की फिजिकल डेवलपमेंट में, बच्चों की बोन्स के डेवलपमेंट में मदद करता है और बच्चों के बालों की ग्रोथ में भी मदद करता है। तो इसीलिए भी आपने सुना होगा कि बच्चे के जो नए बाल आते हैं वो ज़्यादा अच्छे आते हैं, ज़्यादा हेल्दी आते हैं। जब बच्चे के बॉडी में विटामिन डी अच्छी मात्रा में होगा तो ओवरऑल बच्चे को फ़ायदा ही मिलेगा। तो इसीलिए भी आपको अपने बच्चों का हेड शेव ज़रूर से करवाना चाहिए। तो मैंने भी मेरी दोनों बेटियों के हेड शेव करवाए थे, एंड एक्चुअली मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ बातें आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी कि अगर आप अपने बच्चे को मुंडन के लिए लेकर के जाने वाले हो तो पहले से मेक श्योर करें कि बच्चा भूखा नहीं होना चाहिए या फिर बच्चे की नींद डिस्टर्ब ना होनी चाहिए। बच्चे की जब नींद डिस्टर्ब हो जाती है या फिर बच्चे ऑलरेडी भूखे हो गए और ऊपर से आप उसका हेड शेव करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा रोएंगे, हिलेंगे और बच्चे को बहुत ज़्यादा कट लगने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए हाँ, थोड़ा बहुत तो बच्चे रोते ही हैं, लेकिन अगर उसकी नींद अच्छी तरीके से उसको मिली होगी या फिर वो भूखा नहीं होगा तो वो थोड़ा सा शांत रहकर हेड शेव करवा सकता है। तो इसीलिए आपको इन बातों का भी ज़रूर से ख्याल रखना चाहिए, और जो बार्बर होगा, जो नाई होगा, वो जो यूज़ करेगा सीज़र वगैरह, उसको भी आप एक बार वॉश ज़रूर से करवा दो, या फिर अगर आप सलून वगैरह में करवा रहे हो तो वो भी स्टरिलाइज होने चाहिए,
उसके थ्रू भी बच्चे को बैक्टीरियाज मिल सकते हैं, तो इन बातों का भी आपको ज़रूर से ख्याल रखना चाहिए। एंड मुंडन के लिए अगर आप जा रहे हो तो घर से आप एक एंटीसेप्टिक क्रीम ज़रूर से अपने साथ लेकर के जाओ, ताकि बच्चे को अगर कट लग जाए तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सको। या फिर एक बेस्ट ऑप्शन आपके पास है, आप हल्दी चंदन लगा सकते हो बच्चों के सर के ऊपर। कट नहीं लगे हैं फिर भी अगर आप हल्दी चंदन का लेप लगा देंगे आफ्टर सेव, बच्चों की जब बाल निकल जाए उसके बाद बच्चों की सर की स्किन के ऊपर आप हल्दी एंड चंदन का लेप लगा देंगे, तो जो थोड़े बहुत कट वर्क होंगे वो भी ठीक हो जाएंगे, और चंदन की मदद से बच्चे को एक कूलिंग इफेक्ट मिलेगी, तो आपका रोता हुआ बच्चा भी शांत हो जाएगा, वो काम डाउन हो जाएगा, और उसको जो इरिटेशन खुजली वगैरह हो रही होगी सर के ऊपर वो भी नहीं होगी, ठीक हो जाएगी। तो आप हल्दी एंड चंदन का लेप भी ज़रूर से लगा सकते हैं, और उसके बाद आप 7 दिन तक एटलीस्ट बच्चों की सर की स्किन के ऊपर शैम्पू वगैरह ना यूज़ करें। उसकी वजह से बच्चों की सर की स्किन और ज़्यादा ड्राई हो सकती है, बच्चे को इरिटेशन हो सकती है, तो आप 7 दिन तक शैम्पू ना करें, लेकिन तब तक आप वहाँ पे बच्चों के सर के ऊपर ऑयलिंग ज़रूर से करते रहे, ताकि इरिटेशन ना हो और स्किन मॉइस्चराइज रहे। तो इन बातों का आपको ज़रूर से ख्याल रखना चाहिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरा ये वीडियो, मेरी ये बातें आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर इस वीडियो से आपको कोई मदद मिली है, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।